Now page number 86. Who do you think it was? आपको क्या लगता है कि यह कौन था? It was the little nightingale that sat outside on a tree. यह एक क्या था? जो जिंदा जो थी वो nightingale थी, जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई थी. It had heard of the emperor's illness. उसने किसके बारे में सुना? उसने सम्राट की जब बीमारी के बारे में सुना. And had come to sing to him. और उसके पास वो गाना गाने के लिए आ गई. It sang the most beautiful song. उसने बहुत ही सुंदर खूबसूरत गाना गाया. As it sang, ठीक है, जैसे ही उसने गाना गाया, the emperor felt better. और जो सम्राट ने अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया, बेहतर महसूस करने लगा. थैंक्स सेड द एम्परर. एम्परर ने क्या कहा? उसे धन्यवाद कहा. यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी. उसने बोला आपको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए. नॉट सो, रिप्लाई द नाइटिंगल. ऐसा नहीं है, कोकिला ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ठीक है. आई कैन नॉट लिव इन ए पैलेस. मैं एक पैलेस में नहीं रह सकती. आई विल कम एंड सिट ऑन द ट्री बाय द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू. बोले कि मैं आऊंगी और इस पेड़ पे बैठूंगी और विंडो के द्वारा, है ना, पेड़ पे बैठ के आपको देखूंगी, ठीक है. शाम को, हर शाम को मैं आऊंगी और आपके लिए क्या करूंगी? गाना गाऊंगी. बट यू मस्ट प्रोमिस मी वन थिंग. लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए, एक वायदा करिए, ठीक है. एनीथिंग सेड द एम्परर. सम्राट ने कुछ भी कहा, मतलब तो कुछ भी कहने के लिए उसको बोला, ठीक है. लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज. वो बोलता है कि पिंजरे, मतलब पक्षी को पिंजरे में कभी भी, जिंदा पक्षी को क्या नहीं रहना चाहिए? पक्षी में नहीं बंद करना. उसने ये बोला. द एम्परर स्माइल एंड सेड. एम्परर क्या होता है? सम्राट. मुस्कुराता है और कहता है, एज यू विश माई नाइटिंगल. जैसा, हाँ, वो मुस्कुराता है और कहता है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूंगा, बोलता है. द नाइटिंगल फ्लू अवे हैप्पीली ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे. ठीक है, और वो क्या करता है? कोकिला वहां से, जो कोयल होती है नाइटिंगल, वहां से उड़ जाती है खुशी खुशी और अगले दिन के लिए वो लौट के आती है उसके गाना गाने के लिए. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल.